तो चलो बच्चों अभी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। मैंने अभी आपको स्पीड बताया, वेलोसिटी बताया, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। एक सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो उसका एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि कोई कार है, लिख के बता दूं, देखो एक मिनट, कोई कार है, ये मैंने एक कार ड्रॉ किया, इसकी मैं स्पीड मान लेता हूं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है और अब इसकी स्पीड नई स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। इसी कार की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और मान लिया कि जो टाइम लगता है इस 30 से 40 होने में वो 5 सेकेंड्स का लगता है। मान लिया कि 30 से 40 होने में, अरे कुछ तो टाइम लगेगा ना, एकदम से ही 30 जंप करके उसी वक्त 40 तो नहीं हो जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो मान लिया कि वो जो टाइम लगा है वो 5 सेकेंड का लगा है। तो बच्चों आपको पता है कि जो स्टार्टिंग वाला जो स्पीड होता है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, जो फाइनल वाला जो स्पीड होता है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन का भी आपको फॉर्मूला पता होगा, ए क्या होता है? ए होता है वी माइनस यू अपॉन में टी। अब आप यहां पर वैल्यू पुट करो, सारी चीजें दे रखी है, इनिशियल स्पीड आपको पता है 30 है, फाइनल स्पीड आपको पता है, टाइम आपको पता है, ये सारी वैल्यू इसमें आप पुट करो। वी की जगह आप लिख सकते हो 40, माइनस यू की जगह आप लिख सकते हो 30, वेरी गुड, और टी की जगह आप लिख सकते हो 5। अब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सिंपली 40 में से 30 गया, 5 काटापिटी किया, 5 दुनी 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ गया। हाँ घबराओ नहीं, मैं इसकी आपको मीनिंग बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ बच्चों? अभी मैंने बताया ना कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया? तो देखो बच्चों अभी स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी? 30 थी। थोड़े समय बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 हो गई। तो मैं अगर आपसे पूछूं चेंज कितना हुआ है, तो 10 हुआ है, वेरी गुड। कितनी देर में हुआ है ये चेंज? 5 सेकेंड में। तो हर सेकेंड भी तो चेंज हो रहा होगा ना, 5 सेकेंड में 10 चेंज हुआ तो हर सेकेंड भी तो चेंज हो रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि एक सेकेंड में कितना चेंज हुआ? अगर पूरा 10 का चेंज हुआ है तो एक सेकेंड में कितना चेंज हुआ है? तो एक सेकेंड में 2 का चेंज हुआ होगा, तभी ना 5 सेकेंड में 10 का चेंज हो गया होगा। बच्चों यही एक्सेलरेशन जो है ना, यही वैल्यू निकल के आता है। अभी जो ये 2 निकल के आया तो इसका मतलब है कि इस कार का एक्सेलरेशन अगर 2 है तो इस बात का मतलब है कि एक सेकेंड में इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी 2 चेंज हो रही थी। मतलब स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी थी 30, अगले सेकेंड इसकी स्पीड हो गई 32, फिर अगले सेकेंड इसकी स्पीड हो गई 34, 36, 38, 40, 5 सेकेंड में 10 कवर हो गया। आई बच्चों समझ में बात? कि एक्सेलरेशन हमें बताता है कि एक सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। बहुत सिंपल है एक्सेलरेशन निकालने का बच्चों, ये फॉर्मूला है, बस आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे, इनिशियल फाइनल दिया हुआ होगा, आपको न्यूमेरिकल की अगर प्रैक्टिस होगी वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बच्चों एक्सेलरेशन जो है ना दो तरह का होता है, एक्सेलरेशन जो है दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? हाँ शायद आप सही गैस कर रहे होगे। अगर मैंने क्या बताया एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। मैंने ये नहीं बोला कि बढ़ना ही या घटना ही, मैंने बोला चेंज इन वेलोसिटी। तो वो जो चेंज है वो चेंज जो है वो बढ़ के भी आ सकता है और चेंज जो है घट के भी आ सकता है। जैसे 30 अभी जो मैंने एग्जांपल दिया 30 वाला, तो वो जो 30 है स्टार्टिंग में 30 है और मान लो उसमें 2 का चेंज आ रहा है तो बढ़ के भी चेंज आ सकता है, 32 हो जाए, 34 हो जाए, 36 हो जाए। तो अगर बढ़ के चेंज आएगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। 2 जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी चेंज बढ़ रही है। और बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी कम होगी। लेट्स से कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी 30,
अब दो चेंज हो गया, नेगेटिव तरीके से चेंज हुआ, तो इसका मतलब अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 28, फिर उसके अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 26, फिर अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 24। तो बच्चों वेलोसिटी दो तरह का हुआ, पॉजिटिव वाला मतलब बढ़ने वाला, नेगेटिव वाला मतलब घटने वाला। ये जो घटने वाला है ना, जो पॉजिटिव वाला है उसको तो हम एक्सेलरेशन ही बोल देते हैं, और जो घटने वाला है उसके लिए एक अलग टर्म है, इसको हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसे स्पीड कम हो रही है ना। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी स्पीड कम हो रही है, एक समय बाद जाकर के रुक ही जाएगा, है ना। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। और बच्चों जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, नेगेटिव का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी घट रही होगी, और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही होगी, जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी रहेगी। बच्चों मैं इसका ग्राफ बना करके दिखाता हूं, देखो ये मैंने एक वीटी ग्राफ लिया, ये वी लिया, ये टी लिया, ठीक है। अगर किसी व्हीकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है यूनिफॉर्मली, दो दो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया मान लो वही कि दो 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 उसका चेंज हो रहा है, और हर सेकंड दो ही चेंज हो रहा है, ये नहीं कि अगले सेकंड तीन हो गया, अगले सेकंड साढ़े तीन हो गया, फिर डेढ़ हो गया, ये नहीं, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा ये, मतलब चेंज तो हो रहा है लेकिन हर सेकंड अलग अलग, कभी दो हो रहा है, कभी तीन हो रहा है, कभी साढ़े दो हो रहा है, कभी डेढ़ हो रहा है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। हालांकि इसको अभी जो मैं बात कर रहा हूं उसमें बोल रहा हूं कि एक सेकंड में दो ही चेंज हुआ हो, एक सेकंड में दो बढ़ गया, फिर अगले सेकंड में दो बढ़ गया, फिर अगले सेकंड में दो बढ़ गया, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हर एक सेकंड दो दो ही चेंज हो रहा है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे पॉजिटिव वाले का, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो मान लो उसका वेलोसिटी ऐसे बढ़ रहा है, मान लो इस T1 तक इसकी वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड यहां पर उसकी वेलोसिटी इतनी थी, यहां पर उसकी वेलोसिटी इतनी थी, बढ़ रही है ना, यहां पर उसकी वेलोसिटी इतनी थी, देख रहे हो बच्चों बढ़ रही है। लेकिन मान लो मैंने यहां पर ग्राफ इसको सीधा यूं कर दिया, तो इसका मतलब है इस टी जगह पे वेलोसिटी इतनी थी और अगले टी पे, टी डैश बोल देते हैं, वेलोसिटी इतनी ही है, फिर अगले टी पे टी डबल डैश बोल देते हैं, वेलोसिटी अभी भी इतनी ही है, तो इसका मतलब है कि यहां वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, यस शाबाश, जीरो होगा। यहां पर क्या होगा बच्चों एक्सेलरेशन, जो भी होगा, लेकिन यहां पर जो भी एक्सेलरेशन होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर मैं यहां पर ग्राफ ऐसे बना दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, पहले मान लो इस टी टाइम पे वेलोसिटी इतनी थी, अगले इस टी टाइम पे वेलोसिटी कम हो गई, तो यहां पर कैसा एक्सेलरेशन चल रहा होगा बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन चल रहा होगा। आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको अभी बता दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हर एक सेकेंड बराबर वेलोसिटी चेंज होगा। मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, एक सेकंड में दो, फिर अगले सेकंड में दो, फिर अगले सेकंड में दो, हर सेकंड दो 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 चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इक्वल चेंज आएगा इक्वल टाइम इंटरवल में, देख रहे हो इक्वल चेंज इक्वल टाइम इंटरवल, बार बार ऐसा ही यूनिफॉर्म वाला जब भी डेफिनेशन आता है तो यही टर्म इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा यूनिफॉर्म चेंज का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, VT ग्राफ है, दिस लाइन इज V, दिस लाइन इज T, और ये जो लाइन बन के आएगा, जो ग्राफ बन के आएगा वो हमेशा स्ट्रेट बन के आएगा। किसमें स्ट्रेट बन के आएगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, हर सेकेंड बराबर बराबर चेंज हो रहा है। बराबर का मतलब मान लो अभी इसकी स्पीड 30 थी, अगले सेकेंड 32 हो गई, अगले सेकेंड 34 हो गई, अगले सेकेंड 36 हो गई, दो 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 का ही चेंज होता रहे, या तीन 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 का चेंज, या चार 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 का, बराबर बराबर चेंज होना चाहिए, तब हम बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और फिर तुम्हारे पास तो दिमाग है ही, सोच ही सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, हर एक सेकेंड वेलोसिटी में जो चेंज हो वो बराबर ना हो, कभी दो, कभी ढाई, कभी तीन, कभी पांच, कभी सात, कभी आठ, कभी नौ, कभी दो, कभी तीन, इस तरह से एक एक सेकेंड में ये उल्टा पुल्टा चेंज हो रहा हो, तब बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो सीधी सी बात है बच्चों,
जो यूनिफॉर्म वाला जो चेंज होगा उसमें स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा ग्राफ, और जो नॉन यूनिफॉर्म वाला जो चेंज होता है उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। आप ऐसे बना दो, इधर आ जा तू, समझ लो, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व जैसा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन आपका दो तरह का होता है, पॉजिटिव वाले में स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, नेगेटिव वाले में वेलोसिटी घटती है। तो जो नेगेटिव वाला होता है घटने वाले के लिए एक अलग टर्म है, घटने वाले के मतलब वेलोसिटी घटने वाले के लिए अलग टर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर उसको हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन टर्म याद रखो, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं और उसमें ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, और उसी उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा उसका जो और ज्यादा प्रिसाइज जो टर्म होगा या तो आप उसको रिटार्डेशन बोलोगे या डिसेलरेशन बोलोगे। बच्चों आपको ये टर्म याद होना चाहिए कि हो सकता है न्यूमेरिकल में यही टर्म इस्तेमाल हो। आप एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन पढ़ के गए, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन याद रखा, और क्वेश्चन में आ गया कि इसका रिटार्डेशन निकालो और पता ही नहीं रिटार्डेशन क्या होता है, डिसेलरेशन निकालो और पता ही नहीं डिसेलरेशन क्या होता है, तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन बोलते हैं। एग्जैक्ट सेम ही फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, यही तो होता है, बस नेगेटिव वैल्यू होती है इसलिए हमें अलग टर्म दे दिया इसको। ओके बच्चों, हाँ तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हालांकि इतना डीप करके नहीं आता सवाल, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो मान लो आप अपने घर से एक दुकान पे गए, उस समय आपकी वेलोसिटी थी V1, फिर आप दुकान से स्कूल पे गए, वहां पर आपकी वेलोसिटी थी V2, अब आपको इसका, आप अलग अलग वेलोसिटी से गए ना, अब आपको एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या करोगे, दो वेलोसिटी था ना, आप यहां से दुकान पे गए V1 हुआ, दुकान से स्कूल गए V2 हुआ, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, जस्ट आप इस दोनों का एवरेज ले लो, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, दो था ना इसलिए, तीन टुकड़ों में अगर जाते, आप यहां से मान लो पहले दुकान जाते, नहीं आप यहां से पहले मान लो अपने दोस्त के घर जाते, फिर दोनों मिल करके दुकान पे जाते, फिर दुकान से आप कुछ कुरकुरे खरीद लेते या कोई खाने वाली चीज खरीद लेते, और दोनों खाते पीते स्कूल जाते, तीन टुकड़ों में हुआ। तो पहले आप गए अपने दोस्त के घर V1 की स्पीड, फिर वहां से आप दुकान गए V2 की स्पीड, फिर दुकान से स्कूल गए, थोड़ा धीरे हो जाएगा क्योंकि दोनों साथ में हो ना, V3 की स्पीड। अब एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3, और जब ये वैल्यू आएगा तो वो हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। आए बच्चों समझ में? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी, इसमें एक डेरिवेशन रह गया और एक न्यूमेरिकल रह गया और ग्राफिकल एनालिसिस रह गया। तो इसको आप जो मैंने ट्यूशन में करवाया है, जो नोट्स दिया है, आप वहां से इस चीज को रिवाइज करना, और प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे बता देना, मैं क्लास में ही बता दूंगा, और यहां बताना होगा तो यहां बता दूंगा। ओके, गुड लक।